हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दीपक जलाकर वस्त्र मंत्रालय सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने सीमावृत्ति महिला हस्तशिल्पों को दी धनतेरस की बधाई। थार नगरी बाड़मेर स्वयं सेवी संस्था महिला मंडल बाड़मेर आगौर द्वारा गडरा रोड में दीपावली के दीपक जलाकर उपेंद्र प्रसाद सिंह सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार शांत मनु विकास आयुक्त हस्तशिल्प अर्चना प्रसाद सिंह डॉ वीपी ठाकुर क्षेत्रीय निदेशक विकास आयुक्त हस्तशिल्प नॉर्थ रीजन व एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कोर हैंडीक्राफ्ट एंड नेशनल डिजाइन सेंटर के पदाधिकारियों ने मिलकर धनतेरस के दिन दीपावली पर्व के अवसर पर दीप जलाकर आर्टिजन महिलाओं के साथ धनतेरस व दीपावली मनाने का किया आगाज व सभी को दी बधाइयां। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपेंद्र प्रसाद सिंह सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने गडरा रोड में दीपक जलाकर सभी महिला आर्टिजन को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र गडरा रोड की महिलाएं भी हैंडीक्राफ्ट का प्रशिक्षण प्राप्त कर काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। दीपावली के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिला आर्टिजन के साथ दिवाली मनाकर अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। उन्होंने सभी का विश्वास दिलाया कि सरकार की तरफ से सभी आर्टिजन को आगे लाने के लिए योजनाओं को आप तक पहुंचाया जाएगा व आजीविका को मजबूत किया जाएगा। इसी कड़ी में विकास आयुक्त हस्तशिल्प ने भी सभी को बधाई दी और विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय भारत सरकार सभी आर्टिजन के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी कारण आज सभी जगहों से दस्तकार प्रशिक्षण लेकर बाजार में अपना प्रोडक्ट सेल कर स्वयं व परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राजेश कुमार जनरल डायरेक्टर EPCH ने बताया कि इस वर्ष दिवाली गडरा रोड ब्लॉक की महिला आर्टिजन के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई हैं। कार्यक्रम में 271 महिला आर्टिजन ने टूल किट प्राप्त किए हैं, जिनके माध्यम से निरंतर प्रयास द्वारा महिलाओं के कौशल में स्वतः विकास होगा। हम समय समय पर महिलाओं के कौशल विकास हेतु अन्य योजनाएं लेकर आएंगे। संस्था अध्यक्ष सराना अख्तर ने महिला आर्टिजन का उत्साह वर्धन करते हुए बताया कि दीपावली के अवसर पर सभी महिला आर्टिजन नई शुरुआत करें। विकास आयुक्त द्वारा समय समय पर आर्टिजन के लिए मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है ताकि आर्टिजन को अपने बनाए उत्पाद का सही मूल्य मिल सके। आप सभी महिलाओं को इन अवसरों का लाभ लेना चाहिए ताकि आपके कौशल का विकास हो, साथ ही आप अपनी आजीविका चलाने में सक्षम बने। संस्था निदेशक आदिल खान ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि दीपावली पर्व कार्तिक मास की अमावस के दिन मनाया जाता है। अमावस की अंधेरी रात में असंख्य दीप जगमगाने लगते हैं, उसी प्रकार विकास आयुक्त हस्तशिल्प एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कोर हैंडीक्राफ्ट सीमावर्ती क्षेत्र गड्डा रोड की महिलाओं के लिए जगमगाते दीपों के समान ही विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर आए हैं। इस योजनाओं से लाभान्वित होकर आर्टिजन महिलाएं आत्मनिर्भर बने एवं देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। संस्था ने नेशनल डिजाइन सेंटर नई दिल्ली का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने दिल्ली से गडरा रोड बाड़मेर तक सिलाई मशीन भिजवाई। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम इकबाल की रिपोर्ट।